सभी डिपार्टमेंट का यहाँ जो भी सभी लोग सर हैं यहाँ पर, वो लोग बताएंगे क्या क्या हो रहा है। मैं तो प्लीज़ भैया क्या हो रहा है अभी बहुत बोल दीजिए क्या हो रहा है मतलब। तो मेरा नमस्कार, और जैसा आपने बोला नेता विद्यार्थी परिषद में कोई नेता नहीं होता है, सभी लोग यहाँ कर करता है। ये देखिए भैया कुछ बोलेंगे हमारे कॉलेज से संबंधित कुछ बातें। जितने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, आप महाराजा कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे एसबी कॉलेज में पढ़ते हो, जैन कॉलेज में पढ़ते हो, जगजीवन में पढ़ते हो। फ्रेंड्स, ये एसबी कॉलेज का पार्ट टू आने वाला है, तो आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। जैसे उस वीडियो को आप लोग ने प्यार दिया, ऐसे ही इस वीडियो को पूरा वॉच करके आप लोग प्यार दीजिएगा। जो लोग बीए के छात्र हैं, बीएससी के छात्र हैं, और आईएससी के छात्र हैं, और आईए के छात्र हैं, जो भी लोग हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आप लोग के रिलेटेड इस वीडियो से संबंधित मैं कुछ बताने वाला हूँ। इस कॉलेज में अभी क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो से। तो गाइज, बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा देखिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपना लाइक, एक लाइक कीमती होता है, अपना देखो और मुझे मोटिवेट करिएगा कि मैं और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस, आप सभी को सर लोग से परिचय कराते हैं, जो बात कुछ है तो बीए के लिए, बीएससी के लिए, और आईएससी आईए के लिए है, तो आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा सर लोगों से पूछकर। तो चलिए, ये देखिए वहाँ पर आईकॉम और बीकॉम का डिपार्टमेंट है, और आप जिसको प्रॉब्लम होगी मैं उससे सर ले पूछूंगा क्या अभी हो रहा है फिलहाल कॉलेज में। सभी डिपार्टमेंट का यहाँ जो भी सभी लोग सर हैं यहाँ पर, वो लोग बताएंगे क्या क्या हो रहा है। मैं जा रहा हूँ उन सभी से पूछूंगा कि अभी क्या हो रहा है, तो वीडियो में बने रहिए गाइस और स्किप ना करेंगे। अभी हम लोग एसबी कॉलेज के एमए और एमएससी के जितने छात्र हैं, और ध्यान से सुनिएगा, भाई लोग आए हैं तो बताएंगे आप लोग को क्या हो रहा है। तो प्लीज़ भैया क्या हो रहा है अभी बहुत बोल दीजिए क्या हो रहा है मतलब। फॉर्म जमा हो रहा है पीजी फोर का। अच्छा, हम जमा करने आए हैं। हाँ, देखिए भैया बोल रहे हैं पीजी का फॉर्म जमा हो रहा है, और यहाँ पर लोग उपस्थित हैं सर, और यहाँ पर सर लोग हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी काम होता है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी आकर इस कॉलेज में। यहाँ पर आईएससी का कुछ छात्र हैं, इनसे हम पूछेंगे क्या हो रहा है इस टाइम कॉलेज में। ये लोग आकर यहाँ पर खड़ा है काउंटर पर, तो बोलिए अभी क्या हो रहा है भाई। भाई बोल रहे हैं जो ट्वेल्थ में हम लोग अभी फिलहाल में फॉर्म भरे थे, ऑनलाइन एडमिशन कराए थे, उसी का फॉर्म जमा कराने के लिए आए थे डॉक्यूमेंट्स, तो अभी नहीं जमा हो रहा है, एग्जाम के टाइम होगा। तो भाई ने बता दिया आप लोग को, अभी देख सकते हैं कॉलेज हम लोग का, वहाँ पर देखिए अखिल भारतीय के पोस्टर लगा हुआ है, विद्यार्थी परिषद हैं, सदस्य अभियंता, देख सकते हैं आप। और ये देखिए, ये हम लोग का छोटा मोटा खेलने वाला मैदान है, जो आप लोग को अंदर जाकर दिखा रहा हूँ कैसा है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, उतना खास नहीं था, अब बदलाव हो गया है बहुत सारा। कॉलेज में इतना मतलब गेट लगा रहता है ना, जितना आप लोग सोच नहीं सकते हैं। एक देखिए, एक गेट यहाँ पर है, एक गेट देख सकते हैं उधर है, उसके मेन गेट वहाँ पर है। देखिए यहाँ पर मतलब गाय अभी एक बैठी हुई है, शायद किसकी है। और यहाँ पर देखिए वॉलीबॉल खेला जाता है, वॉलीबॉल, जो वॉलीबॉल के छात्र होंगे, अच्छा खेलने वाले एक्सपर्ट होंगे, तो वहीं लोग यहाँ खेलते हैं, और यहाँ हमारे कॉलेज से भी उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है खेलने के लिए। देख सकते हैं इतना ही हम लोग का स्कूल का पार्क है, वैसे मतलब खेलने का अथी है, मैदान है यहीं, और हम लोग का देख सकते हैं सामने में कॉलेज है। आप लोग को हम स्कूल का जो कॉलेज का पार्किंग है, वो पार्किंग एरिया दिखा देते हैं। देखिए अभी यहाँ पर भी बाइक लगी है, बट पार्किंग का यहाँ पर देख लीजिए, पार्किंग का यहाँ पर है, और अच्छा सा एक कल है जो पूरा ठंडा फ्रिज टाइप का पानी देता है। आप सब देख सकते हैं कितना बड़ा मतलब हम लोगों का कॉलेज है, पूरा मतलब बड़ा ही बड़ा है। आप लोग देख सकते हैं, भीरी से बना रहा हूँ पूरा मतलब, ऊपर काम देखिए उधर चल रहा है, अभी बन रहा है, अभी उसके ऊपर एक काम लग रहा है, अभी तैयार हो रहा है, एक प्लॉट बन रहा है ऊपर क्लास का। आप लोग सामने में देख सकते हैं वहाँ पर राष्ट्रकवि दिनकर जी का पुस्तकालय भवन है यहाँ इस प्लॉट में, और वहाँ पर देख सकते हैं आप बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भवन, उसमें भी एनसीसी का जो कार्यक्रम होता है सब वहीं पर डिपार्टमेंट संभालते हैं लोग। और ऊपर देख लीजिए सभी लोग, ऊपर क्लासेस चलती है, लाइब्रेरी है ये, और देखिए हम लोग के कॉलेज के जो जिनके नाम पर कॉलेज बना है उनका देखिए वहाँ पर मूर्ति है। मैं आप सभी को बता दूँ, एसबी कॉलेज का फुल फॉर्म होता है शाहजहानंद बरमसी कॉलेज, देख सकते हैं एसबी कॉलेज आ रहा है, यानी कि शाहजहानंद बरमसी कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना का वहाँ पर देखिए कुछ टंगा हुआ है बोर्ड। यही हम लोग का कॉलेज का छोटा सा व्यू है जो आप लोग से दिखा रहा हूँ। तो झंडा तोलन होता है हम लोग का यहाँ पर होता है, देख सकते हैं झंडा यहीं पर फहरता है हम लोगों का। हमारे इस कॉलेज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य अभियान जो हैं, उनमें ऋतुराज भैया अभी हम लोग का कॉलेज के जो सदस्यता में नेता हेड हैं, तो आप सभी को बताएंगे इस सदस्यता से क्या होता है और क्या लाभ है आप सभी को।
दो शब्द बोल दीजिए हमारे वीडियो के बारे में। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने बोला नेता विद्यार्थी परिषद में कोई नेता नहीं होता है, सभी लोग यहाँ कर करता है। हाँ। मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा। हाँ। देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरे देश में अगस्त 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक सदस्यता अभियान चल रहा है। और विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान पूरे वर्ष में महज एक बार चलता है, उसी के निमित्त यहाँ पे एसबी महाविद्यालय में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम छात्रों से अनुरोध करेंगे और मेरा नम्र निवेदन है कि आपको एक ऐसा मौका है कि आपको एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन से जुड़ने का मौका मिल रहा है। आप किसी भी कॉलेज में जाइएगा तो देखिएगा तरह तरह के छात्र संगठन है, लेकिन विद्यार्थी परिषद जैसा छात्र संगठन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी छात्र संगठन होने के नाते इसका किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी से इसका नाता नहीं है। विद्यार्थी परिषद भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे के साथ कॉलेज में काम करती है, और यही कारण है कि विद्यार्थी परिषद 1949 से लेकर के आज तक विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसका यही एक कारण है। तो जिस जैसे आप लोगों ने सुना और भैया ने बताया यहाँ का, और देखिए हम भी इस छात्र पहले सेशन में जुड़ चुके थे और दूसरा सेक्शन में 22-23 में फिर जुड़ेंगे। छात्र जो सदस्यता है अभियान उसमें हम फिर से जुड़ने वाले हैं, तो दिखा देते हैं आप लोगों को जुड़ेंगे कैसे। और हम जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जरूर जुड़िए। अगर एसबी कॉलेज के छात्र हैं तो या कोसी कॉलेज के भी छात्र हैं तो आप लोग जरूर। कौन क्लास में है? बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में अब। ये देखिए भैया कुछ बोलेंगे हमारे कॉलेज से संबंधित कुछ बातें। अभी जितने कॉलेज कैंपसों में पढ़ने वाले छात्र हैं, आप महाराजा कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे एसबी कॉलेज में पढ़ते हो, जैन कॉलेज में पढ़ते हो, जगजीवन में पढ़ते हो, चाहे महिला कॉलेज में पढ़ते हो, छात्र छात्राएं जितने भी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो जाकर कॉलेजों में क्लास करें, क्योंकि प्रोफेसर तो आते हैं, आप नहीं आते हैं। आप आइएगा तो क्लास कहीं ना तो कहीं चलेगा। आप आइए, सुचारू रूप से क्लास चलेगा। और विद्यार्थी परिषद हमेशा इस बात को रखता आया है और रखता रहेगा। मैं उमंग कुमार, आप लोगों को जो भी अगर दिक्कत होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर डाल देंगे, आप बात कर डाल देंगे व्हाट्सएप का, आप लोग बात कर सकते हैं, आकर आप बात कर सकते हैं। अभी मेरा नाम पड़ेगा उमंग कुमार, नगर सहमंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना सजेशन दिया। आप लोग सुने होंगे तो जरूर आइएगा, इस कॉलेज के छात्र होंगे, आरा के डिस्ट्रिक्ट जितने भी छात्र छात्राएं होंगी जरूर आइएगा कॉलेज में पढ़ने के लिए। अंदर का जो है अभी वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर कंप्यूटर रूम है, उसी में सब इस कॉलेज का ऑनलाइन होता है। और उसके आगे जो गेट है वो ऑफिस का गेट है, अभी ऑफिस बंद है। ये जो सीढ़ी से रास्ता है ऊपर 3 मंजिला है, इससे ऊपर भी क्लास चलते हैं सभी का, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं ऊपर जाने के। अपने पहला ब्लॉग में मैंने दिखा चुका है और देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग जा रहे हैं बाहर, अब इस गेट से निकलेंगे। देख लीजिए कॉलेज पूरा फैसिलिटी बहुत अच्छा है, कॉलेज में साफ़ सफाई रहता है। देखिए अभी क्लास कोई बच्चा नहीं है, शिक्षक आए हैं बट कोई बच्चा नहीं है, देख सकते हैं क्लासरूम में। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जरूर क्लास आइए, डेली क्लास आइए। हर एक कॉलेज के छात्र से मैं यही विनती करूँगा कि आप लोग आइए ज़रूर। अभी हम लोग ने उस कॉलेज के गेट से बाहर आ गए हैं और देख सकते हैं यही हमारा कॉलेज है। और ये देखिए हम कॉलेज के बाहर खड़े हैं, जो पहले ब्लॉग में अपना बता दिए थे और दिखा दिए थे, देख सकते हैं यही हमारा कॉलेज का बाहर है। हजारों में आप लोग को अच्छी तरह से दिखा देते हैं।